क्योंकि देखें आप बहुत कीमती हो जाते हैं, आपका बड़ा नाम है, लेकिन उस वक्त दरवेश बन जाना ये बहुत मुश्किल है। क्या देते हैं हम सब, क्या मैं दरवेश सा बंदा हूँ, लेकिन दरवेश बन के वो वाली आते अपनाना बहुत टफ है। आपके पास हर चीज होने के बावजूद आज भी इख्तियार कर लेना, अल्लाह ताला के हाथ झुके रहना, इंसानों का अच्छा सलूक करना बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन डू इट इजीली। सिंपल सी बात है, आप कर सकते हो हर चीज, ठीक है ना, लेकिन आपका पहले माइंड सेट होना चाहिए उस चीज पे ना, आपने ये चीज करनी है। देखिए जो भी लोग है ना, आप उनके सामने अपने आप को हकीक क्यों नहीं जानेंगे, देखिए आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते अपने बारे में। हाँ सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हैं, आपने जो वही लोगों की सोच बदलनी है उसी में आप अपना काम करके अपने आप को कीमती बना सकते हैं। जब आपने अपने आप को कीमती बना लिया तो आपको क्या उन लोगों की फिक्र रह जाएगी, वो लोग आपके पास नहीं आएंगे वापस की, यार ये कैसे इतना कीमती बन गया, क्योंकि आपने उस एक आदमी की सोच बदलने की कोशिश नहीं की या एक खानदान की सोच बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने आप को आप अप लेवल पे ले गए, अपने आप को कीमती बना लिया, अपने आप में स्किल ले आए हैं, डेवलपमेंट ले आए हैं, अपने आप को डेवलप किया आपने, बाद आपका लेवल अप हो गया, वो लोग आपके पास आने शुरू हो गए। इस वजह से देखिए आप ये चीजें ना सोचे माइंड में, ये चीजें ना सोचते रहे यार वो क्या सोचेगा, ये कोई भी कुछ नहीं सोचेगा यार, उन्हें अपनी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपके बारे में उसने क्या सोचना है, इस चीज के बारे में आपने सोचना है, क्योंकि आपने वो काम करके आपने ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है, दीन में हो दुनिया में हो। देखिए ना क्यों हम क्यों कह रहे होते हैं, ये एक छोटा सा वर्ड है, वो अल्लाह जी हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर देना, छोटा सा वर्ड है लेकिन इसके इस पर ही हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड कर रही है। हम दुनिया में भी जो कर रहे हैं कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, आखिर अब दुनिया में जो कुछ होगा उसकी बिना पे हमने आखिरत में जाके कामयाब होने, तो ये दो लफ्ज कहने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी सारी लाइफ, जब मैं कह रहा था मैं 50 साल का यार एक्सपीरियंस आता हूँ वाले मेरे सामने की बच्चा, जिसके उसके 50 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी। लेकिन ये कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, स्टेप्स लेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि अपने आप पे फोकस करेंगे, जो अपने आप पे फोकस करते हैं वही तो इम्प्रूव करते हैं अपने आप को ना। देखिए आपने एक दिन लिखा है, ठीक है ना, अच्छा नहीं लिखा गया, ठीक है आपको पता चल गया यार ये गलती है, दूसरे दिन आपने और लिखा है टॉपिक, आपने देखा यार कम गलती हुई, तीसरे दिन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ना आप। अगर लोगों की बातें पे रहते यार ये बड़ा मुश्किल है लिखना, ये नहीं हो सकता, तो आपने कैसे लिखना था, नहीं लिख सकते। कोशिश करें अपने आप पे फोकस करें, इम्प्रूवमेंट करें, जहाँ पे आपकी जरूरत पेश आती है लोगों को हेल्प करने के लिए सिर्फ हेल्प करें वहाँ पे लोगों की, फजूल टाइम ना वेस्ट करें, अपनी सफाइयाँ ना दें लोगों को, सफाइयाँ देनी अपने रब के सामने, आपके रब को पता है आपके दिलों का हाल, और किसी को आप बताने की जरूरत नहीं, आपके रब को पता है आपके दिलों का हाल क्या है। यहाँ पे बहुत बहुत मौलिम आए हैं, बहुत बहुत आए हैं, लेकिन किसी का कोई सलूक नहीं किया गया। आखिर में अल्लाह तआला के साथ हमें अल्लाह तआला से तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।